नमस्कार, मेरा नाम है मित्र, गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ओप्पो ने इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया है ओप्पो K3, जो कि ऑनलाइन सेंट्रिक फ़ोन है। जी हाँ, वह फ़ोन आपको सिर्फ ऑनलाइन मार्केट में ही देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन कंज्यूमर्स के लिए उन्होंने लॉन्च किया है ओप्पो का A9, जो कि ओप्पो का A सीरीज़ का फ़ोन है। अब ये भी आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में करते हैं इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, क्या प्राइस रखी गई है और ये कैसे अलग है ओप्पो के K3 से, और क्या आपको यह फ़ोन परचेज़ करना चाहिए ओप्पो के K3 के रिप्लेसमेंट में या फिर नहीं। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ओप्पो A9 का बॉक्स, जहां पर सबसे पहले मेंशन है कि यह है फ़ोन हमें देखने मिलता है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में। आपको बता दें, इंडिया में यह सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, जिसका प्राइस रखा गया है 15,490 रुपये। तो बॉक्स के फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं फ़ोन का पिक्चर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ लिखा है A9। करते हैं इसको बैक साइड में, तो यहाँ पर हमें देखने मिल जाते हैं कुछ की हाईलाइट फीचर, जैसे कि 4GB रैम के साथ में 128GB का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा, 6.5 इंच का स्क्रीन साइज है, जो कि एक वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन साथ में आपको देखने को मिलता है, 4020mAh का बैटरी है। इसके अलावा कैमरा 16+2MP का रियर और 16MP का ही फ्रंट कैमरा। तो यही है इस फोन के की हाईलाइट फीचर। चलिए अब अनबॉक्स कर लेते हैं इस फोन को और देखते हैं कि कैसा हमें देखने मिलता है ओप्पो का A9। तो दोस्तों, बॉक्स में सबसे पहले हमको देखने मिलता है एक एनवलप, जहां पर होने वाला है इस फोन का कवर और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ, यहाँ पर सबसे पहले हमको देखने मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर। उसके बाद है ये फ़ोन, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, आप कह सकते हैं इसको ब्लू कलर या फिर पर्पल कलर, उसका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। चलिए, रख लेते हैं इसको एक बार साइड में, चलते हैं और बॉक्स कंटेंट की तरफ। और उसके बाद हमें देखने मिलता है चार्जर, जो कि आता है 5V और 2A आउटपुट रेटिंग के साथ में। मीन्स एक नॉर्मल चार्जर है और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद है एक डेटा केबल, और ये भी हमें देखने को मिल रही है माइक्रो USB पोर्ट में, और इसमें हमें ओप्पो के स्टैंडर्ड ईयरफोन्स भी देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों, यह है ओप्पो का A9। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस फोन का बैक डिज़ाइन, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ग्लॉसी बैक डिज़ाइन के साथ में। ये आपको ग्लास फिनिश की तरह देखने को मिलेगा, हालांकि यहाँ पे ग्लास नहीं है, ये पूरा फोन बना है एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी से, लेकिन फ़ोन का डिज़ाइन नो डाउट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा ही डिज़ाइन हम ओप्पो या फिर रियलमी के काफ़ी सारे फ़ोन में देख चुके हैं। इनफैक्ट, अगर हम ओप्पो के K3 को कंपेयर करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन से, तो वहाँ पर भी आपको कुछ सिमिलर ऐसा ही डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर आपको जो कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, वहाँ पर कुछ अलग दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है। ओप्पो के K3 में आपको वो इन डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्योंकि अब आपको इन डिस्प्ले कैमरा या फिर पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है इस प्राइस में, लेकिन ओप्पो के A9 में अभी भी आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। चलिए, बात करेंगे इसके बारे में और आगे। अभी कर लेते हैं इस फोन को ऑन और बात करते हैं इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले, जहां पे दिया गया है फ्रंट कैमरा, और यह है 16MP का। करते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में हमें देखने को मिल रहा है एक पावर की, जो कि ब्लू कलर में है। करते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन की। इसके ठीक ऊपर दिया गया है एक सिम ट्रे, जो कि आपको मिलता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, चाहे तो आप दो सिम कार्ड लगा सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आपको यहाँ पर लगाना होगा। बॉटम साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, जो कि है माइक्रो USB। यहाँ पर है प्राइमरी माइक, यहाँ पर है 3.5 जैक, और इस तरफ दिया गया है स्पीकर ग्रिल। ऊपर वाले पोर्शन को बिल्कुल प्लेन रखा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को जाता है। बैक साइड में करते हैं, तो यहां पर हमें देखने को मिल जाता है ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप, जो कि है 16+2MP का। इसके नीचे दिया गया है एक LED फ्लैश, यहां पर है फिंगरप्रिंट सेंसर, और यहां पर है ओप्पो का ब्रांडिंग। तो ये था इस फोन का फिजिकल ओवरव्यू। चलिए, मैं स्टार्ट कर लेता हूं इस फोन को, सेटअप कर लेता हूं कंप्लीट, और फिर आपको मिलता हूं इस फोन की होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों, फ़ोन हो चुका है ऑन और हम आ गए हैं ओप्पो A9 के होम स्क्रीन पे। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको ColorOS 6 देखने को मिलने वाला है, जो कि लेटेस्ट है ओप्पो और रियलमी की तरफ से। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो ये आपको मिलता है 6.53 इंचेस का, जहाँ पर आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है। 90% का आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है एक IPS पैनल। जी हाँ, अच्छा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, कोई भी कंप्लेन आने वाली नहीं है। और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले का परफॉर्मेंस,
नो डाउट आपको अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन में देखने को मिल जाते हैं। तो नो डाउट डिस्प्ले अच्छा है, लेकिन फिर वहीं वाली बात आ जाती है कि अब इस प्राइस में हमें सुपर AMOLED पैनल भी देखने को मिल जाते हैं, और वो भी ओप्पो या फिर रियलमी की तरफ से ही। चलिए अब चलते हैं फ़ोन की सेटिंग में, देख लेते हैं इस फ़ोन की कुछ इन्फॉर्मेशन। तो हम हैं फ़ोन के अबाउट फ़ोन के सेक्शन में, जहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं ओप्पो A9। यहां पर आप देख सकते हैं 4GB रैम के साथ में आपको ये देखने को मिलता है। एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं तो वो है एंड्रॉयड 9 मी स्पाई आपको देखने को मिलता है आउट ऑफ बॉक्स। अगर हम बात कर रहे हैं इस फ़ोन की स्टोरेज की, तो यहाँ पर 128GB स्टोरेज आपको देखने को मिलता है, जिसमें से 105GB अवेलेबल है। और अगर हम बात कर रहे हैं प्रोसेसर की, तो वो है ऑक्टाकोर मीन्स मीडियाटेक का हीलियो P70 चिपसेट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस फ़ोन के कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर आपको ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और ये है 16+2 मेगापिक्सल का। 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है F1.8 अपर्चर के साथ में। फ्रंट कैमरे की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, और ये आता है F2.0 अपर्चर के साथ में। अब इस फोन के रियर और फ्रंट कैमरे से हमने कुछ इमेजेस कैप्चर करने की कोशिश की, जहां पर हमको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव पिक्चर तो देखने को नहीं मिली। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिक्चर ली गई है ऑटो मोड में, तो मैं यहां पे कहूंगा कि ठीक ठाक सी पिक्चर है, एवरेज पिक्चर है। कुछ इमेजेस बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन कुछ इमेजेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहां पर आप देख सकते हैं कलर सैचुरेशन या फिर जो एक्सपोजर है वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की, तो यहां पर मुझे पिक्चर्स अच्छी लगी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एज डिटेक्शन अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड ब्लर की, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल बैकग्राउंड हमको देखने को नहीं मिल रहा है। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर हमें इंप्रेसिव पिक्चर देखने को मिल रही हैं। दोस्तों सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए एक बार फिंगरप्रिंट सेंसर टेस्ट करते हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। हमने देखा है ओप्पो रियलमी वीवो इन सभी के फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। फेस अनलॉक को भी टेस्ट करते हैं, और आप देख सकते हैं इंस्टेंटली ओपन होता है। कई बार तो हमें होम स्क्रीन भी देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें तो कोई भी कंप्लेंट नहीं है ओप्पो या फिर रियलमी के फ़ोन्स में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मीडियाटेक का हीलियो P70 चिपसेट, जो कि मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। जी हाँ, पहले काफ़ी सारे फ़ोन्स में मीडियाटेक के हीलियो P70 चिपसेट का परफॉर्मेंस देख चुके हैं, तो यहाँ पर मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इस फ़ोन में आपको परफॉर्मेंस में कोई भी इशूज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको 4GB रैम के साथ में 128GB स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि 4GB जगह 6GB होना चाहिए था, क्योंकि अब मिनिमम रिक्वायरमेंट हर किसी कंज्यूमर की 6GB पहुँच गई है। इनफैक्ट इसी प्राइस में हमको 6GB रैम के ऑप्शन और काफी सारे फोन दे रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों इस फोन की बैटरी की, तो यहां पर आपको 4020mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मैं कहूंगा कि अच्छा बैटरी है। जी हां, काफी अच्छा आपको बैटरी बैकअप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मीडियाटेक का हीलियो P70 चिपसेट भी यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी पावर एफिशिएंट चिपसेट है। तो यहां पर आपको बैटरी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां पर एक ड्रॉबैक ये है कि इस फोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट यहां पर आपको जो इनबॉक्स चार्जर देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ 5W 2A आउटपुट रेटिंग के साथ में है, जहां पर ओप्पो इसी प्राइसिंग में आपको वोक चार्जिंग का सपोर्ट देता है, या फिर रियलमी के फोन्स में देखते हैं तो इससे कम प्राइस में भी आपको वोक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये था अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू ओप्पो के A9 का। अब मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा कि ये फोन खराब है, जिस प्राइस में इस फोन को लॉन्च किया गया है ये काफी अच्छा डिवाइस है, और ओप्पो की हिस्ट्री को देखते हुए नो डाउट एक अच्छा डिवाइस है इस प्राइस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों ओप्पो के ही K3 की, तो वो इससे कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है, और अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जी हाँ, इसे लॉन्च किया गया है 15,490 रुपये की प्राइस में, जबकि ओप्पो का K3 आपको मिलता है 16,990 रुपये की प्राइस में, जहाँ पर आपको 6GB रैम के साथ में 128GB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ चीज़ों में तो ओप्पो का K3 काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है, जैसे कि वहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, एक AMOLED पैनल देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पॉपअप सेल्फी कैमरा की, तो वो भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वूक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो कि आपको इस फोन में देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आप ऑनलाइन फोन ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन फोन लेने में, तो डेफिनेटली आपको ओप्पो K3 काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब यहां पर मैं आपको कोई दूसरा ब्रांड सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, इनफैक्ट उसी ब्रांड का कोई दूसरा फोन सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो कहीं ज्यादा प्रीमियम है, कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं, और जो प्राइस रेंज है वो भी सेम है। तो जो कंपनीज ऑफलाइन और ऑनलाइन का
कंज्यूमर डिफरेंस समझती है ना, वो आपको नहीं समझना है और आपको एक अच्छा डिसीजन लेना है। बाकी आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको लेना है ओप्पो A9, ओप्पो K3 या फिर और कोई फ़ोन, वो आपकी मर्जी है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस देखना। चैनल को लिए सब्सक्राइब, और अगर आपके पास और कोई सवाल सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें।